देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला, मौके पर मौत। खनियाधाना थाना के ग्राम गुडर पर हुआ हादसा। खनियाधाना थाना क्षेत्र का मामला। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम, देर रात समझा इसके बाद खुला चक्का जाम। खनियाधाना थाना अंतर्गत ग्राम गुडर रोड पर बीती रात अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए एक आदिवासी युवक को कुचल दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया है। घंटों पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए और जाम खोला गया। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही जाँच के बाद अवैध खनन की कार्रवाई भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ईसागढ़ के दयालपुर निवासी शिवराज आदिवासी उम्र 26 वर्ष खनियाधाना के ग्राम गुडर अपनी ससुराल में निवास करता है। रात करीब 8:30 बजे शिवराज गुडर रोड से निकल रहा था, इसी दौरान उसे पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। इस मामले की सूचना जैसे ही शिवराज के परिजनों को मिली तो आक्रोशित परिजनों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया और आरोपी वाहन चालक को मौके पर लाने की मांग करने लगे। रात करीब 2 बजे तक जाम लगा रहा। जैसे तैसे खनियाधाना TI तिमेश छारी ने लोगों को समझाइश दी, तब जाकर लोग माने और जाम खोला। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक रवि राजा बुंदेला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। TI छोरी का कहना है कि हम मामले की पड़ताल कर रहे हैं और अगर खंडों के दस्तावेज नहीं मिले तो आरोपी के खिलाफ अवैध उत्खनन सहित चोरी का केस दर्ज किया जाए। नाम है तुम्हारा? प्रीतम आदिवासी साहब। कहाँ के रहने वाले हो? गुडर के। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कौन है आपके? वे हमारे दामाद हैं। दामाद हैं? हाँ। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट ऐसे हुआ, गुडर से जा रहे थे सब्जी लेके, हुकुगा फिर रहते हैं 1 साल से। हाँ। 1 साल से रहते हैं, सो वहीं पर मैं भी खड़ा था। वहाँ पर जिन ने ट्रैक्टर पीछे से आया, मैं वहीं मौके पर था, पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही ख़त्म हो गए क्या? मौके ही पर ख़त्म भैया। ट्रैक्टर कहाँ गया? ट्रैक्टर खंडा लेकर आगे ने कर गया साहब। अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं? पकड़ा नहीं, पकड़ा नहीं, पकड़ा नहीं, पकड़ा साहब। तो इनको कौन लेके आया? इनको लेके पुलिस वाले ही आए। दामाद का क्या नाम है? शिवराज। शिवराज नाम है दामाद का? दामाद का। शिवराज कहाँ के रहने वाले? दयालपुर के। कितनी उम्र है? 25 साल। आपके पास रहते थे? हमारे पास 1.5 साल से रह रहे थे।